अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज कोई व्लॉग नहीं है। आपने जैसा कि हमने देखा है कि एक इंडियन ने पाकिस्तान के बारे में, खास तौर हमारे पाकिस्तान बहनों के बारे में, और अल्लाह ताला की शान में गुस्सा ही की है। तो उसका मैं जवाब देने के लिए उसकी बातों को, उसकी बातें जो उसने की हैं, उसका जो मैं जवाब दूँगा। तो बग़ैर किसी बात को नवा किए शुरू करते हैं। आप पहले उसकी बात सुन लें। हमारी बहन साले कटुओ, तुम्हारी बहन मेरी रखेल है, मेरे के नीचे रोज सोती हैं। अभी जैसा इसने बोला, भाई साले वगैरह बोला, मेरा रोज़ है और मैं बासियत मुसलमान, इसको गाली नहीं दूंगा, इसको इसी तरह समझाऊंगा। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि नीचे जो पिक्स आ रही हैं, आप देख लें कि ये इसकी बहनें हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए आई थी। अगर ये समझदार है तो समझ गया इस बात को। आप ये देख लें और ये वाली पिक चेक करें। इसने एक बहन के साथ अपने चार बहनें हमारे भाई को, यानी हमारे भाई को चार एक्स्ट्रा सालियाँ मिली हैं। तो ये इसके पहले सवाल का जवाब था। अभी दूसरा सवाल से सुने। साले राम मंदिर मन के मन के रहेगा, मस्जिद की कहते हो ना, बस मस्जिद के नीचे तुम्हारी बहनों को साले कटुओ, रंडी के पेरासो, साले रंडी हो, साले कटुओ, साले हरामियो, वेडियो सूरो। इसका दूसरा सवाल आपने सुना, तो मैं इसको बता दूं कि राम मंदिर बने ना बने, इन्होंने जो बाबरी मस्जिद के साथ किया, उसके बाद अल्लाह ने 14 बाप वाला, ये 14 माओ वाला, ये डॉक्टर का बेटा, ये इंजीनियर का बेटा, ये प्लम्बर का बेटा, ये आइसक्रीम वाले का बेटा, ये पैदा किया है। और इस मैं फिर रमज़ान का ख्याल रखते हुए गाली नहीं दूंगा, लेकिन ये बताऊंगा कि इस जैसे 14 माओ, 14 बापों वाले होते हैं ना, तो उनके कुछ हालात ऐसे ही होते हैं। अब इसका तीसरा सवाल हम सुनते हैं। अभी तीसरा क्लिप मैं आपको दिखाने से पहले, तीसरे का जो बात है वो दिखाने से पहले आपको बोलूँगा कि ये इसने अल्लाह ताला की शान में बहुत बड़ी गुस्ताही की है। तो ये क्लिप वो हज़रात देखें जो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो पहले इसका क्लिप सुन लें। साले तुम अल्लाह अल्लाह भगाते, अल्लाह मेरा बड़ा है, अल्लाह अल्लाह मेरा जेरा अल्लाह बन रहा है, जिस अल्लाह की डोरी में है ना तुम्हारी बहन की, साले कटु और रंडी की पैदा दो, चिनार की औला दो। अभी इसने नौज़ बिल्ला अल्लाह ताला की शान में गुस्ताही की है। तो इसका मैं जवाब देने के लिए ये नीचे वीडियो लगा रहा हूँ, ये देख लें आप। इसने साथ ही हमारी जो बहनों को बीच में मेंशन किया, अभी ये इनकी बहनी है और इनकी माता रानी और हमारा बैल था जो कि काम कामयाब हो चुका, और इनकी जो आने वाली नस्लें 14 बापू और 14 माओ वाली। तो बेशक आप 14 समझें या 14 समझें, तो हम इनको सलाम पेश करते हैं। और इसका मैं बताऊंगा इसके साथ लास्ट में हुआ क्या, आप वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, नेक्स्ट जो इसमें बात बोली मैं अब उसका जवाब देने वाला हूँ आपको। साले कटुओ काट के फेंक देंगे हिंदुस्तान में से, साले तुम्हें साले कटुओ फेंक देंगे हिंदुस्तान में से निकाल के, पाकिस्तानियों साले हो, पाकिस्तानियों बहन के साले कटुओ रंडी की पैदा चिनार की औलाद हो, साले लड़के लिए होतड़ी वाले कटु। अभी इसने बोला कि हिंदुस्तान में से काट के निकाल देंगे, तो मैं इसे याद करवाना चाहता हूँ, गुलभूषण को तो याद होगा इसको, गुलभूषण नहीं याद हो। अभी नया नया वाक्य सुनाते तो अभिनंदन का, बेचारा आया था और गिरा भी पठानों के इलाके में, और सोच लो पठान फिर भी जो है ना बच्चों के फिदा ही हैं, वो बच्चों को ज़्यादा मंडते हैं। तो क्या हाल होगा उसका, लाजमी चेकअप कराना, मैं इसके लाजमी कोशिश करूँगा लाजमी चेकअप करवाएं। एक साल हो गया, हमें भी पता चले बेटा हुआ बेटी या ये पठानों का ही कोई रद्द अमल शामिल था। तो बेटा ये तुम्हारे लिए ख़ास तौर पर है, तो शुक्र पढ़ो तुम पाकिस्तान में नहीं हो। तो अभी इसने जो बात हम ये बोली ना कि अल्लाह ताला के शान गुस्सा ही की, नौज़ बिल्ला, तो अभी जिस दिन से वीडियो अपलोड की ठीक 2 दिन बाद इसकी डेथ हो गई थी। और इसके आप ये वीडियो चेक करें, इसकी वीडियो के आसपास नंगे बच्चे घूम रहे हैं, तो मस्त माहौल है, न जाने इसकी मैयत के साथ भी क्या किया हुआ होगा, कितने सुराख हुए होंगे। तो मैं इसे दोबारा बोलूँगा, तमाम इंडियन से बोलूँगा, बेशक वो मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरी वीडियोस लाइक करते हैं या देख रहे हैं, उन्हें बोलूँगा कि आप चाहो डिसलाइक करो, क्लेम करो, जो भी करो, लेकिन ये आपको खुली वार्निंग है कि इंदे बाद पाकिस्तान के बारे में कोई बुरा बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं। और याद रखें कि पाकिस्तान में भी मंदिर हैं, पाकिस्तान में भी आपके इंडियन ब्रदर्स हैं, तो हम लिहाज नहीं करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।